हेलो गाइस, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कंपनी लो। सो कंपनी लो को स्टार्ट करने से पहले आज हम क्या करेंगे, पहले कंपनी क्या होती है। सो लेट्स स्टार्ट। कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लो। कि कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। नेचुरल पर्सन कौन होता है, जो क्रिएटेड बाय गॉड होता है, यानी कि ह्यूमन बींग। और आर्टिफिशियल पर्सन यानी कि जिसे लो क्रिएट करते हैं, कानून कॉन्स्टिट्यूशन ने जिसे क्रिएट किया है ना, वो क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सन। इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पीपल विद सेपरेट एंटिटी, यानी कि एक क्या है, एसोसिएशन ऑफ पीपल। कि यहाँ क्या है, काम करते हैं, कौन काम करते हैं, ह्यूमन बींग काम करते हैं, लेकिन ये क्रिएट किसने की है, लो ने। आर्टिफिशियल पर्सन एसोसिएशन ऑफ पीपल सेपरेट एंटिटी, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेपरेट एंटिटी मीन्स जो भी उसमें काम कर रहा है वो अलग है, और एक कंपनी खुद सेपरेटली एग्जिस्ट करती है। अगर आप कंपनी के ऊपर केस करना चाहते हो ना, तो ऐसा नहीं है कि आपने कंपनी के मेंबर के ऊपर केस कर दिया तो वो कंपनी के ऊपर केस हो गया, या फिर कंपनी के ऊपर केस कर दिया तो वो मेंबर के ऊपर हो गया। आपको जिसके ऊपर भी केस करना है, जिसके खिलाफ भी पेटिशन करना है, वो या आप कंपनी के अगेंस्ट सेपरेटली करोगे, और उसके जो मेंबर्स हैं उसके अगेंस्ट सेपरेटली, क्योंकि कंपनी क्या है, एक सेपरेट एंटिटी है, खुद से एक अलग है, मेंबर्स से अलग एक एंटिटी है कंपनी। मेंबर आते रहेंगे जाते रहेंगे, किसी की डेथ हो जाए, कुछ भी हो जाए, कंपनी क्या है, वो चलती रहेगी। वो क्या है, हमारा सेपरेट एंटिटी, कि ये सेपरेटली एग्जिस्ट करती है। ऐसा नहीं है कि वे मेंबर्स हैं तभी कंपनी है, कंपनी सेपरेटली एग्जिस्ट करती है टू अचीव अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। हर चीज़ के पीछे एक ऑब्जेक्टिव तो होता ही है। सो कंपनी क्या हुई, कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। इट इज एसोसिएशन ऑफ पीपल विद सेपरेट एंटिटी टू अचीव अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज वन पर्सन कंपनी। अब वन पर्सन कंपनी क्या होती है, नेम ही सजेस्ट करते हैं, यानी कि जिसमें सिर्फ एक पर्सन हो। क्या एक पर्सन वाली कंपनी हो सकती है? हमारे जो कंपनी है उसके दो एक्ट हैं। पहला जो एक्ट मीन्स ओल्ड एक्ट क्या है, कंपनी एक्ट 1956, उसमें ऐसा नहीं होता था कि हम वन पर्सन कंपनी बना लें। एटलीस्ट हमें टू पर्सन चाहिए होते थे एक कंपनी को क्रिएट करने के लिए। लेकिन जो नया एक्ट आया, यानी कि कंपनी एक्ट 2013, उसने क्या किया, नया प्रोविज़न लेके आया कि वन पर्सन कंपनी भी हो सकती है, इनकॉर्पोरेट हो सकती है, यानी कि सिर्फ सिंगल पर्सन, एक इंसान भी अगर कंपनी खोलना चाहता है तो वो खोल सकता है। पहले क्या था, एटलीस्ट टू पर्सन तो होने चाहिए। सो कंपनी का मीनिंग हमें क्लियर हो गया, और हमने ये भी देख लिया कि मीन्स एटलीस्ट एक पर्सन भी क्या कर सकता है, अब कंपनी क्रिएट कर सकता है, बट वो जो है वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, ह्यूमन बींग होना चाहिए। अब कंपनी है, उसके बारे में हम आगे पढ़ते। कंपनी एक्ट 2013 वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 2013, यानी कि इनकॉर्पोरेट तो 2013 में ही हो गया था, बट कम इन टू फोर्स इन 1 अप्रैल 2014। कि फोर्स में यानी कि वो काम करना उसने वर्किंग कब शुरू की, 1 अप्रैल 2014 में। देर आर वेरियस टाइप ऑफ कंपनीज डिपेंड अपॉन वेरियस बेसिस। कि हमारी कंपनीज के बहुत से टाइप होते हैं, वो लायबिलिटी के बेस पे हो सकता है, इनकॉर्पोरेशन के बेस पे हो सकता है, नेशनैलिटी के बेस पे हो सकता है, जैसे फॉरेन और डोमेस्टिक कंपनी, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी, ओनरशिप के बेस पे हो सकता है। ये हम अपनी आगे वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज में। फिलहाल हम कंपनी के फीचर देखते हैं। सो कंपनी का फर्स्ट फीचर क्या हुआ, जब भी आप कंपनी का फीचर बताते हो ना, तो जो हमने उसकी डेफिनेशन की थी वही उसके फीचर्स हैं। वन बाय वन आप देख लोगे। देखो, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, पहला ही आ गया आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कि क्या है, नेचुरल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है, जिसमें नेचुरल पर्सन क्या करते हैं, वर्क करते हैं। सो फर्स्ट तो हो ही गया, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, और लास्ट हमारा क्या है, क्रिएटेड बाय लो, यानी कि किसने क्रिएट किया है, लो ने क्रिएट किया है। सो हमारे दो फीचर्स तो यही हो गए कि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो और उसे किसने क्रिएट किया है, लो ने क्रिएट किया है। वो गॉड क्रिएटेड नहीं है कि अपने आप से बनी हुई है, वो लो से, कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे क्या किया, क्रिएट किया है, इनकॉर्पोरेट किया है। सेपरेट एंटिटी, सेपरेट एंटिटी भी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। सेपरेट एंटिटी यानी कि एक अलग उसके खुद का अस्तित्व है, मीन्स उसकी खुद की एंटिटी एक अलग है। ऐसा नहीं है कि वो मेंबर्स से ही जुड़ी हुई है, कंपनी एग्जिस्ट करती है अलग से, वो किसी कंपनी एक खुद से, आप ये देखिए आर्टिफिशियल पर्सन है। अगर आपको किसी के अगेंस्ट केस करना होता है, तो आप उस पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ ही केस करते हो। उसके भाई के खिलाफ केस करने से आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जिसने मीन्स क्राइम किया है, जिसने भी आपको ऑफेंस किया है, आप उसके अगेंस्ट केस करते हो। ऐसे ही कंपनी सेपरेट एंटिटी है, कि कंपनी के मेंबर पे अगर केस करते हो ना, तो वो केस कंपनी पे नहीं होता, वो भी पर्सन है, कंपनी भी एक पर्सन है। जैसे हम नेचुरल पर्सन के केस के देख रहे थे, ऐसे ही ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो ये पर्सन तो हो गई ना, सेपरेट एंटिटी हो गई। यानी कि अगर हमें इस पे केस करना है, तो हमें कंपनी के नाम पे केस करना होगा। और कंपनी भी, ऐसा नहीं है कि मेंबर्स ही किसी और पे केस कर सकते हैं,
एक कंपनी भी किसी पे भी केस कर सकती है जिसने भी उसके कुछ ऑफेंस किया है, क्राइम किया है, कंपनी के साथ डिस्ट्रक्शन किया, कुछ भी. सो एक कंपनी क्या है, सेपरेटली एग्जिस्ट करती है. गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मीन्स मैन मे कम, मैन मे गो, बट कंपनी विल गो ऑन. कि लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, मेंबर्स जुड़ते रहेंगे, मेंबर्स जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी क्या है, वो चलती रहेगी. ऐसा नहीं है कि आज दो मेंबर्स ने बनाई थी, अगर उनकी डेथ हो गई तो कंपनी सीधा बंद ही हो गई. अगर नए मेंबर्स आएंगे तो कंपनी फिर से चालू रहती रहेगी. एक मेंबर के डेथ होने से, एक मेंबर के जाने से कंपनी बंद नहीं होती, कंपनी चलती रहती है. ये क्या है, एक गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है. जब तक हम फाइनल लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप पे नहीं आ जाते ना, तब तक कंपनी चलती रहती है. ठीक है, इसका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब यही है कि वो चलती रहती है. ऐसा नहीं है कि वो बंद हो जाती है किसी के आने से या किसी के जाने से. लिमिटेड लायबिलिटी, ये इसकी एक एडवांटेज भी है. बिगेस्ट एडवांटेज यही है कि इसकी लायबिलिटी जो होती है ना, इसमें जितने भी मेंबर्स हैं उनकी लिमिटेड होती है. हम टाइप के अकॉर्डिंग करेंगे, अनलिमिटेड लायबिलिटी भी होती है, बट इंडिया में अनलिमिटेड कंपनीज नहीं मिलती हैं. मीन्स रेयरली अगर आपको मिले तो मिले, वरना लिमिटेड लायबिलिटी की ही कंपनी होती है. लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि जो हमारे जितने भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं, जितने भी हमारे कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है. यानी कि जितनी उन्होंने, वो लिमिटेड कैसे भी हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी और लिमिटेड बाय फेस वैल्यू. कि फेस यानी कि अगर उन्होंने 100 शेयर ले रखे हैं, वो पर 100 के ही हैं, तो यानी कि 10,000 हो गया टोटल, तो उनकी लायबिलिटी सिर्फ 10,000 तक की ही होगी. ऐसा नहीं है कि उसके बाद की भी होगी, फेस वैल्यू ऑफ शेयर तक की. यानी कि ऐसा नहीं है कि हम अनलिमिटेडली, अगर हम ज़्यादा लॉस में गए तो सारा शेयर होल्डर, एक ही शेयर होल्डर बियर करेगा. उसकी लिमिटेड लायबिलिटी है कि उसे कितना बियर करना पड़ेगा. ट्रांसफर ऑफ शेयर, ट्रांसफर ऑफ शेयर कुछ कंपनीज में अलाउड होता है, कुछ में नहीं होता. जैसे पब्लिक और प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी में अलाउड है लेकिन प्राइवेट में ट्रांसफर ऑफ शेयर अलाउड नहीं है. अब ट्रांसफर ऑफ शेयर होता क्या है कि जैसे मैंने शेयर ले रखे हैं, लेकिन मैं अब चाहती हूँ कि मैं ये शेयर किसी और को दे दूँ और मैं मीन्स कंपनी में एग्जिस्ट ना करूँ. अब वो करेगा, मेरे शेयर्स को वो संभालेगा, ये उसके हो जाएंगे. जो कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में मेरा नाम होगा ना, कि मेरे पास 10 शेयर हैं, अब उसकी जगह दूसरे पर्सन का नाम आ जाएगा जिसे मैं ये शेयर्स ट्रांसफ़र कर रही हूँ. तो ये पब्लिक कंपनी में तो अलाउड है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में ये अलाउड नहीं है. डिजिटल सिग्नेचर. अब डिजिटल सिग्नेचर आज के टाइम पे देखें तो कंपनी का बहुत बड़ा फीचर है. डिजिटल सिग्नेचर क्या है कि सब कुछ टेक्नोलॉजी हो गई तो पेपर वर्क तो बहुत ही कम हो गया है. सो पेपर वर्क को छोड़ के हम जो डिजिटल आए हैं, तो अगर हम ऑथेंटिसिकेशन फिक्स करें कि मैंने ये कंपनी ली है, इनकॉर्पोरेट की है, मैं इसके डायरेक्टर हूँ, तो क्या मैं रियली एग्जिस्ट करती हूँ और मेरे को मीन्स कंपनी के जो है फाइल वगैरह देखनी है, तो मैं उन्हें देख सकूं, उसके लिए क्या डिजिटल सिग्नेचर, कि मेरा ऑथेंटिसिटी बनी रहे. अब मैं डिजिटली देख रही हूँ, मेरे नाम पे किसी ने भी देख लिया तो मेरा एक डिजिटल सिग्नेचर होगा, जिससे क्या होगा, क्रिप्टेड होगा. कि मैं देखना चाहती हूँ तो मेरी ऑथेंटिसिटी को वो फिक्स करेगा कि ये वही पर्सन है जिसे, जो डायरेक्टर है. यानी कि अगर मैं डायरेक्टर और मुझे देखनी है फाइल्स वगैरह, देखनी है जो भी देखना है, सो वो हम मेरे जो डिजिटल सिग्नेचर है वो कंपनी को क्या बताएगा कि मैं एक रियल वही पर्सन हूँ, कोई और नहीं है जो इंटरप्ट कर रहा है, या फिर इंट्रूडर नहीं हूँ जो क्या है मिसयूज़ करना चाहता है आपकी इन्फॉर्मेशन का. तो डिजिटल सिग्नेचर फिक्स किए जाते हैं. सिग्नेचर हम फिक्स नहीं करते कि जब हम लैंड वगैरह ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें क्या होता है कि मैं एक से दूसरे के नाम पे लैंड करते हैं तो आपको सिग्नेचर करने होते हैं. लेकिन जब वो सिग्नेचर क्या है कि आपको रिटर्न में ही देने होते हैं. लेकिन जब आप कंपनी में होते हो ना, तो आपकी जब आप कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हो तो आप पेपर तो डाल नहीं सकते कंप्यूटर में डिजिटल सिग्नेचर में, इसलिए सिग्नेचर में, तो इसलिए आप क्या करते हो, डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ करते हो. अगर हम डिजिटल ना देखें तो सिग्नेचर ही बचा, तो डिजिटली जब हम सिग्नेचर क्रिएट करते हैं उसे बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर. क्योंकि सिग्नेचर क्या होता है, सबका एक यूनिक होता है, उसे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं. सो एंड क्रिएटेड बाय लॉ हमने कर लिया था. सो आई होप यू आर क्लियर विद मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ कंपनी. थैंक यू.